चांद दोस्त प्रियंका, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ फिल्मी अड्डा पर। जी हाँ, फिल्मी अड्डा पर एक बार फिर से टेलीविजन का सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस को लेकर हाजिर हूँ। बिग बॉस के खास खबरों को लेकर मैं आप सभी लोगों के बीच मौजूद हूँ, जहाँ पर बिग बॉस 13 को लेकर हम जहाँ जिक्र करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ बिग बॉस के हर सीजन के बारे में एक खास बात आपको बताने वाले हैं। दरअसल में बिग बॉस वैसे तो कंट्रोवर्शियल शो है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रतियोगी जो इसमें आते हैं, उनकी बहसबाजी, उनकी कंट्रोवर्सी लोगों के लिए, खासकर लोगों जो हमारे एपिसोड, जो बिग बॉस के एपिसोड को देखते हैं, उनके लिए सरदर्दी बन जाती है। अब ऐसे बहुत से ऐसे जो प्रतियोगी हैं ऐसे बिग बॉस में आए हैं, और हर देखा जाए तो हर ऐसे सीजन में आए हैं जिनकी कंट्रोवर्सी या तो समझ में नहीं आती थी, उनकी बहसबाजी कि आखिरकार वो उलझ क्यों रहे हैं। टास्क के बीच अपना देखा जाए तो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के साथ साथ शो को पूरी तरीके से बिगाड़ भी रहे हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है भाई कि इस फालतू की कंट्रोवर्सी के चक्कर में इस रियलिटी शो का जो TRP है वो डाउन हुआ है। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि भाईजान के साथ पंगा भी हुआ है। जी हाँ, कई ऐसे प्रतियोगी हैं जो कि सलमान खान के साथ इस फालतू की कंट्रोवर्शियल फालतू की बातों को लेकर के भी बहसबाजी उनके साथ हो चुकी है और उनसे पंगा ले चुके हैं। आज कुछ ऐसे ही खास प्रतियोगी के बारे में जिक्र करने वाले हैं जो कि अलग अलग बिग बॉस के सीजन में आई तो है, लेकिन लोगों के लिए सरदर्दी बनी है। सबसे पहला नाम कर ले तो बिग बॉस 13 का ही जिक्र करते हैं। जी हाँ, बिग बॉस 13 यानी कि बिग बॉस 13 में इस बार आई है शिफाली बग्गा। देखा जाए वैसे वो रिपोर्टर है, लेकिन भाई उनका जो बोलने का अंदाज है वो लोगों को कहीं ना कहीं अब इरिटेट कर रहा है। खुद बिग बॉस के द होस्ट यानी कि सलमान खान भी इस बात को बोल चुके हैं, और घर के जिस तरीके से बिग बॉस 13 शुरुआत होने के साथ घर का जो माहौल है, जहां एक तरफ हमने अपने प्रोग्राम के माध्यम से ही बताया था कि कई लोग ऐसे हैं इस बार बिग बॉस 13 के अंदर जो कि लोगों को देखा जाए तो इंटरटेन तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जी हाँ बिन बात के बहस से दूर हैं और मैच्योरिटी के साथ गेम को खेल रहे हैं, लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन शिफाली बग्गा का देखा जाए तो इसमें कहीं भी इन सब चीज़ों में तो नाम सामने नहीं आ रहा है। चलिए अब क्यों ये बिग बॉस के लिए सरदर्दी बनी है देखिए रिपोर्ट में। बिग बॉस सीजन 13 में अब तक जितने प्रतियोगियों को लेकर दर्शक में सबसे ज़्यादा नाराजगी दिखी है वह न्यूज़ एंकर शिफाली बग्गा है। उन्होंने साथ ही कैंडिडेट पर कई ऐसे कमेंट्स किए हैं जो लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आए। वैसे अब तक के बिग बॉस सीजन में हमेशा कोई ना कोई ऐसे प्रतियोगी आए हैं जिन्होंने इंटरटेन तो किया, लेकिन दर्शकों को इरिटेट भी काफ़ी ज़्यादा किया, जिनमें शिफाली बग्गा का नाम मौजूद है। शिफाली ने टास्क के दौरान आरती सिंह से जिस तरह से पर्सनल सवाल किए, उसकी ऑडियंस ने सोशल मीडिया पर काफ़ी आलोचनाएं की। ये सवाल ऐसे थे कि आरती उससे काफ़ी असहज हो गई और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गया। वहीं वीकेंड के बार में शिफाली ने सिद्धार्थ शुक्ला को ब्लडी फूल कहा। बिना किसी उकसावे के कई कही गई बातें दर्शकों को कतई ही रास नहीं आ रही। वेल, देखा आपने, अब बात करते हैं सुरभि राणा की यानी कि बिग बॉस 12 का जिक्र करते हैं। सुरभि राणा जो कि देखा जाए जहां एक और वहां पर दीपक ठाकुर और एक बाहर और टीवी टेलीविज़न के बड़े स्टार जैसे लोग सभी ने मिलकर उस शो को काफ़ी अच्छा खासा आगे लेकर गए, काफ़ी अच्छा खासा TRP बनाने की कोशिश की, लेकिन इन सभी चीज़ों में रंग में भंग डालती थी तो वो थी सुरभि राणा। अब सुरभि राणा का ये अंदाज क्यों लोगों को पसंद नहीं आया, कौन सा उनका ऐसा बात विवाद या कॉन्ट्रोवर्सी थी, बिन बात की बहस थी जो लोगों को पसंद नहीं आती थी, देखिए रिपोर्ट में। अगला नाम है सुरभि राणा का। सुरभि राणा बिग बॉस में आने से पहले रियलिटी शो रोडीज का हिस्सा रह चुकी हैं। बिग बॉस के घर में रहने के दौरान वह बात बात पर गुस्सा होती और जबरन चिल्लाती हुई दिखाई दी। इस वजह से उन्हें स्क्रीन पर देखना दर्शकों के लिए सरदर्द बन गया। यहाँ तक कि खुद सलमान ने उन्हें गुस्से पर काबू रखने की हिदायत दे दी, लेकिन इसका कोई भी असर दिखाई नहीं दिया सुरभि पर। देखा आप सभी लोगों ने, अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बिग बॉस 14
4 पर, यानी कि बात करते हैं श्वेता तिवारी, जी हाँ मनोज तिवारी और डॉली बिंद्रा जैसे प्रतियोगी को लेकर। जी हाँ, वो एपिसोड तो आपको पूरा याद ही होगा क्योंकि उस एपिसोड में, उस बिग बॉस के सीजन में बहुत से ऐसे लोग आए थे जिनका चेहरा आज भी बिग बॉस की वजह से फेमस हुआ है, लोग उनके बारे में जानने लगे हैं। आज वो सभी प्रतियोगी बॉलीवुड में कह लीजिए या फिर टेलीविजन इंडस्ट्री में कह लीजिए एक मुकाम तक पहुँच चुके हैं। लेकिन उस सीजन में जहां एक तरफ श्वेता तिवारी और डॉली बिंद्रा की बहसबाजी लोगों को पहले पहले तो इंटरटेन लगी, लेकिन बाद में वहीं पर काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं ना कि अगर कोई किसी भी खाने में नमक ज़्यादा हो तो पूरे खाने का स्वाद बिगड़ जाता है, कुछ ऐसा ही इस सीज़न में भी हुआ। श्वेता तिवारी और डॉली बिंद्रा की बहसबाजी एक हद तक लोगों को काफ़ी इंटरटेनिंग लगी, लेकिन जब बात आई डॉली बिंद्रा की चीज़ों को क्रॉस कर देने की, फिर वहां पर लोगों को दिक्कत होने लगी। चलिए एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट पर। बिग बॉस 4 की प्रतियोगी डॉली बिंद्रा ने इस सीज़न को काफ़ी टीआरपी दिलाई, लेकिन जिस तरह से वह साथी प्रतियोगी पर चीखती चिल्लाती थी और पर्सनल कमेंट्स करती थी, ये दर्शकों के बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। दर्शक उनकी इसी आदत को लेकर उन्हें कतई ही बर्दाश्त नहीं करते थे। देखा आपने, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन यानी कि राखी सावंत। राखी सावंत बिग बॉस के पहले सीजन में ही आ चुकी थी, लेकिन उनका कंट्रोवर्सी में आना लाजमी था। खैर, जिस समय पर वो कंट्रोवर्सी में आई उस समय पर तो लोगों को ऐसा लगा कि वाकई में राखी सावंत वो बला है जो वाकई में बिग बॉस को कुछ नया और इंटरटेनिंग देकर या नया करके जाएंगे, पर बाद में वो बात काफ़ी ही ज़्यादा इरिटेटिंग हो गया। लेकिन अभी भी राखी सावंत का जो ये ड्रामा है, कह सकते हैं वो सोशल मीडिया पे कह लीजिए, टेलीविज़न पे कह लीजिए या फिर फिल्मों में कह लीजिए, हमेशा वो कंट्रोवर्सी के साथ जुड़ी रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि राखी सावंत का और कंट्रोवर्सी का, बात और विवाद का इनका चोली दामन का रिश्ता है, और इनका कंट्रोवर्सी में आना अब कोई नया बात उनके फैंस को नहीं लगता है। चलिए राखी सावंत के सीज़न को याद करते हैं और देखते हैं उनसे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। राखी सावंत बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन के नाम से अपनी पहचान बना चुकी एक्ट्रेस और डांसर राखी सावंत बिग बॉस सीजन 1 में आ चुकी थी। उनके रोने धोने और चिल्लाने ने दर्शकों को ऐसा परेशान किया कि लोगों ने उन्हें नौटंकीबाज कहना शुरू कर दिया। खैर, राखी सावंत का ये ड्रामा अभी भी बॉलीवुड में जारी है। वेल, देखा आप सभी लोगों ने, अब बढ़ जाते हैं आगे फटाफट और बात करते हैं बिग बॉस सीजन 10 की, यानी कि बात करते हैं प्रियंका जग्गा की। मुझे लगता है ये आपको सीजन जो है याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बखूबी ही पता है आपको कि सलमान खान, बॉलीवुड के दबंग खान भाईजान सलमान खान, इतने ज़्यादा प्रियंका जग्गा से इरिटेट हो गए थे उनकी बहसबाजी को लेकर के, कि उन्होंने ये शर्त रख दी थी कि अगर कलर्स के किसी भी एपिसोड में, किसी भी शो में अगर प्रियंका जग्गा को रोल दिया जाता है तो सलमान खान कलर्स के साथ काम करना छोड़ देंगे। ये एक बहुत ही बड़ा, देखा जाए तो सलमान की तरफ से बयान माना जा रहा था। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक प्रियंका जग्गा ने उस शो के टीआरपी को नुकसान पहुंचाया होगा। वेल, बिग बॉस एक, देखा जाए तो कहा जाता है ये कंट्रोवर्शियल शो है, लोगों को यहाँ पर इंटरटेन करना होता है, फैंस को इंटरटेन करना होता है, कुछ नया दिखाना होता है, कुछ नया सिखाना होता है, लेकिन कंट्रोवर्सी के चक्कर में, बहसबाजी के चक्कर में लोग लिमिट क्रॉस कर देते हैं, और कुछ ऐसा प्रियंका जग्गा के साथ भी हुआ था, और प्रियंका जग्गा ने ऐसे करने पर उन्हें नुकसान भी भुगतना पड़ा, क्योंकि शो के बीचों बीच से प्रियंका जग्गा को सलमान खान ने आउट कर दिया था। जी हाँ, चलिए इस पर डालते हैं एक नज़र। प्रियंका जग्गा, बिग बॉस सीजन 10 में प्रतियोगी प्रियंका जग्गा को भी ड्रामा क्वीन कहा गया। प्रियंका न सिर्फ दूसरों से बुरी तरह पेश आती थी, बल्कि गलत भाषा का इस्तेमाल भी करती थी। हालात ऐसे हो गए थे कि वीकेंड के वार में सलमान ने खराब व्यवहार और अभद्र भाषा के कारण सिर दर्द का कारण बन चुकी प्रियंका को शो से अचानक ही बाहर कर दिया। तो देखा आप सभी लोगों ने, अब बात करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पूजा मिश्रा की। जी हाँ, जो कि बिग बॉस 5 में नजर आई थी। अब इनकी कंट्रोवर्सी, चलिए इस रिपोर्ट के जरिए ही हम आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या रीजन है जिनकी वजह से इनकी बिग बॉस के घर के अंदर बिग बॉस के घर के अंदर एंट्री करने के बाद इनकी वाद विवाद जो थी वो लोगों को परेशान करने लगी थी। देखिए रिपोर्ट। पूजा मिश्रा, मॉडल, बीजे और फिल्मों में दिखाई दे चुकी पूजा मिश्रा जब बिग बॉस सीजन 5 में एंटर हुई तो शुरुआत में उन्हें काफ़ी पसंद किया गया,
लेकिन जैसे जैसे समय बीता उन्हें स्क्रीन पर देखना दर्शकों के बर्दाश्त से बाहर होता गया। वह हर प्रतियोगी के साथ लड़ने लगी, जिससे उन्हें सीजन 5 की डॉली बिंद्रा कहा जाने लगा। तो देखा आप सभी लोगों ने, अब बात करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और एक नजर डालते हैं इमाम सिद्दीकी पर। जी हाँ, इमाम सिद्दीकी जो कि बिग बॉस 6 में नजर आ चुके हैं। अब इनकी भैया लुक की तो चर्चा होती ही थी, क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर हमेशा ये अपने लुक की वजह से जहाँ हर सुबह सुर्खियों में रहते थे। लेकिन अगर यहाँ पे बात कर ले तो इन्होंने भी भाई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के साथ साथ लोगों को इरिटेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है बिग बॉस के घर के अंदर। अब इसकी वजह से खुद सलमान भी भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। चलिए नज़र डालते हैं इमाम सिद्दीकी के बिग बॉस के सफ़र को लेकर। इमाम सिद्दीकी सीजन 8 में प्रतियोगी थे और उनकी हर हरकत दूसरे घर वालों के साथ ही दर्शकों का पारा चढ़ा देती थी। जब उन्होंने एक दिन न्यूड शूट कर पहनकर दूसरे प्रतियोगी को परेशान किया और उनके लुक से सभी असहज हो गए, वो बिग बॉस ने इमाम को घर से बाहर का रास्ता दिखाते हुए देर नहीं किया। तो देखा आप सभी लोगों ने, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला नाम है कमाल रशीद खान का। जी हाँ, कमाल रशीद खान के आर के, जी हाँ, जो कि अभी भी बिग बॉस की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। बिग बॉस 3 में ये नजर आ चुके हैं और सलमान के साथ इनकी नोकझोंक भाई लोगों को आज भी याद होगी। भाई देखा जाए तो के आर के तो आज भी इतने ज़्यादा सलमान खान से खफा हैं कि वो भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं सलमान की बेइज्जती करने के लिए। सलमान को लेकर वो आज भी सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा, अपनी बहस निकालते ही रहते हैं। और देखा जाए तो भाई के आर के जब से सोशल मीडिया पर वो एक्टिव हुए हैं, लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जब बताते हैं तो फिर यहाँ पर सलमान की खबरों को लेकर उनका निशाना बिल्कुल सीधा और सटीक रहता है। चलिए एक नज़र डालते हैं केआरके के इस सफ़र को लेकर। कमाल राशिद खान, जिन्हें केआरके के नाम से जाना जाता है, पहले दिन से ही घर वाले और ऑडियंस के लिए सिरदर्द की वजह बन गए। इनके बड़े बड़े दावे और दूसरों पर कमेंट कर नीचा दिखाने की कोशिश और प्रतियोगी पर बोतल फेंकने की घटना ने उन्हें बिग बॉस के घर से बाहर का रास्ता दिखाते हुए देर नहीं किया। वेल, देखा आप सभी लोगों ने, अब आखिरी नाम है जो कि बिग बॉस के घर के अंदर सरदर्द बने थे और उन्होंने देखा जाए तो एक सीमा, जी हाँ, बिग बॉस की सारी हदों को तोड़ा था, वो थी स्वामी ओ। बिग बॉस 10 में नजर आ चुके हैं और इनके कारनामे तो भाई आप सभी लोगों ने इस सीजन के दौरान देखा ही है, जहां इनकी बातें, धार्मिक बातें, लोगों को शुरुआत में काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुश किया लोगों को, लेकिन बाद में भाई ये कहां से कहां पहुंचे और इनकी बातें, इनकी हरकतें बखूबी आप सभी जानते हैं। लेकिन इनके सफ़र को एक बार फिर से देखते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्यों सलमान खान के साथ साथ बिग बॉस के लिए भी इनका बिग बॉस के घर के अंदर रहना काफ़ी मुश्किल हो गया था। देखिए रिपोर्ट में। स्वामी ओम ने बिग बॉस के प्रतियोगी रहते हुए ऐसी ऐसी हरकतें की कि घर वालों से लेकर सलमान खान और दर्शक तक उनसे कतराने लगे। उनकी बुरी भाषा से लेकर लड़ाई और दूसरों पर यूरिन फेंकने के बाद बिग बॉस के मेकर्स ने उन्हें शो से बाहर करना ही बेहतर समझा। तो देखा आप सभी लोगों ने, कुल मिला के हमारे इस रिपोर्ट के माध्यम से, यानी हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, आप सभी लोगों को ये दिखाने की ज़रूरत थी कि बिग बॉस को लेकर कहा जाता है कि बिग बॉस एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर लोगों को इंटरटेन किया जाता है, एक घर के अंदर अलग अलग जगहों से लोगों को ला के वहाँ पर रखा जाता है ताकि वो एक दूसरे के साथ कैसे कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं और कौन ऐसा शख्स है उन सभी में से जो कि बिग बॉस के घर के अंदर को, के जो सफ़र को, जो दिन है, उन दिनों को तय करके ट्रॉफी जीतता है या बिग बॉस के शो को जीतता है। लेकिन इन सब के बीच ये भूल जाते हैं कि बिग बॉस के घर के अंदर भी कई ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं जिसे लेकर चलना होता है। जो सफ़र तय कर लेता है वो विनर हो कहलाता है, जो नहीं कर पाता है वो इनके जैसा ही बाहर निकल जाता है। खैर दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को प्रोग्राम पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट, लाइक, शेयर करें, साथ ही चैनल फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।